ये देखिए दोस्तों, चावल कितने खिले खिले हैं, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है और टेस्ट तो इसका बेजोड़ है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्राट्स किचन में। दोस्तों आज हम बनाएंगे छोले का पुलाव। अचारी टेस्ट दूंगी मैं उसमें, तो हम अचारी छोले पुलाव बनाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसी डिश है दोस्तों जिसको आप एज अ वन डिश भी घर में बना सकते हैं और कोई गेस्ट आए तो उसको भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं छोले उबाल लूंगी। यहाँ पर मैंने एक कप छोले लिए हैं जिसको मैंने 8 घंटे के लिए भिगो लिया था। इसको अब मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और इसको उबालने के लिए मैं ज्यादा नहीं सिर्फ 2 कप पानी डाल रही हूँ। साथ के साथ मैंने 1 छोटा चम्मच नमक का डाल दिया है। इसको मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी तक मैं कुक कर लूंगी दोस्तों। जब तक हमारे छोले उबल रहे हैं चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच आम का अचार लिया है। घर का बना आम का अचार है दोस्तों, आप चाहें तो मार्केट का अचार भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई भी अचार आप यूज कर सकते हैं। इसको बेसिकली हम पीसेंगे। पीसने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें 1/2 कप जितना पानी डाला है और अचार को पीस लिया है। ये देखिए दोस्तों, अचार बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पिस गया है। और यहाँ पर मैंने 2 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है दोस्तों, जिसको अच्छे से मैंने धो के सोक कर लिया है पानी में। लगभग 1/2 घंटे तक चावल को हम भीगने देंगे और उसके बाद चलिए हम क्रिस्पी फ्राइड अनियन बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसका मैंने व्हाइट हिस्सा निकाल दिया था, जो हार्ड हिस्सा होता है ना वो निकाल दिया था, और पतला पतला लंबा लंबा इसको काट लिया है। काटने के बाद दोस्तों इसको हाथ से हल्का सा मसल दिया था ताकि एक एक अनियन जो है वो सेपरेट हो जाए। और इसको मीडियम फ्लेम पर मैं लगातार चलाते हुए लगभग 3-4 मिनट के लिए कुक करूंगी दोस्तों। 3-4 मिनट में हमारे जो अनियन है वो बिल्कुल अच्छे गोल्डन हो जाएंगे। दोस्तों इसको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर ही कुक करें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना कुक करें, प्याज अनइवन हो जाएगी उस केस में। इसको लगातार चलाएं। ये देखिए दोस्तों, प्याज यहाँ पर हो गई है, ऊपर से ब्राउनिश हो गई है, और जब आप देखें कि हल्का हल्का पिंक हिस्सा अंदर बचा हुआ है तभी इसको निकाल लें तेल में से, क्योंकि प्याज में कैरी ओवर कुकिंग भी होगी। और उसके बाद इसको ऐसे ही एयर ड्राई होने दें, प्याज बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगी यहाँ पर और क्रिस्प हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज का ही बचा हुआ तेल लिया है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। 1/4 कप तेल है ये, इसमें मैं 1/2 टुकड़ा स्टार एनीस का डाल रही हूँ, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाला है, 1/2 छोटा चम्मच मेथी डाला है, 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी डाला है, 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है, 1 छोटा चम्मच सौंफ डाला है और 1/2 छोटा चम्मच राई दाना डाला है। बेसिकली मैंने 5 फोरन डाला है यहाँ। 1/4 छोटा चम्मच हींग का डाला है मैंने, और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं 1 प्याज जिसको मैंने रफली स्लाइस कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर मैं बड़ी इलायची डालना भूल गई थी पहले, आप बिल्कुल ना भूलें, 1 बड़ी इलायची भी ऐड कर लें दोस्तों। और इसको फ्राई करें तब तक जब तक जो हमारे प्याज हैं वो हल्के सुनहरे ना हो जाएं। लगभग 2-3 मिनट में हमारे जो प्याज हैं वो बिल्कुल अच्छे सुनहरे हो जाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद भी इसको 1 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। और 1 मिनट के बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी दोस्तों। 2 टमाटर लिए हैं मैंने जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसको मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको बेसिकली तब तक कुक करना है जब तक जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं। इन द मीन टाइम मैं इसमें बाकी के मसाले भी डाल रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने पूरे पुलाव के हिसाब से यहाँ पर डाला है, 2 छोटे चम्मच डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लें इसको। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का है, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं दोस्तों। तेल भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करके लगभग 2 मिनट के लिए कुक कर लें जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट और मशीना हो जाएं। यहाँ पे आप देखें दोस्तों, टमाटर बिल्कुल अच्छा गल गया है। अब मैं इसमें अचार का पेस्ट मिला रही हूँ। अचार का पेस्ट भी मिला के इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अचार जो है वो बिल्कुल अच्छे से मसालों में मिल जाए और ऑयल फिर से सेपरेट हो जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ऑयल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें छोले डाल रही हूँ। छोलों को डालने के बाद भी दोस्तों 2-3 मिनट के लिए इसको कुक करूंगी। गैस की फ्लेम मीडियम ही है थ्रू आउट। 2-3 मिनट कुक करने से हमारे जो छोले हैं उसके अंदर मसाले बिल्कुल अच्छे से चले जाएंगे। और 2-3 मिनट तक कुक करने के बाद दोस्तों मैंने इसमें चावल डाल दिया है। चावल का पानी मैंने निकाल लिया था दोस्तों। चावल को ऐड करने के बाद दोस्तों इसको स्टर बिल्कुल ना करें जब तक इसमें पानी ना ऐड करें। दोस्तों मैं इसमें 3 कप पानी डाल रही हूँ। 2 कप चावल लिया था मैंने, 3 कप पानी डाला है मैंने। पानी डालने के बाद इसको स्टर करें, नहीं तो जो हमारे चावल हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगे यहाँ पर।
अब थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राइड अनियन डालें यहाँ पर और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए सेव कर लें और ढक्कन लगाकर इसको लगभग 12 से 15 मिनट के लिए कुक कर लें दोस्तों मीडियम फ्लेम पे, तब तक जब तक चावल गल नहीं जाते। आप देख सकते हैं दोस्तों चावल बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं, 15 मिनट लगे थे मुझे और 15 मिनट में चावल बिल्कुल अच्छा कुक हो गया है। एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है ये देखिए दोस्तों, और स्वाद इसका बहुत ही अच्छा है। इसको गर्मा गर्म सर्व करें दोस्तों, आप चाहें तो इसको दही या रायते के साथ सर्व करें और नहीं तो किसी वेजिटेबल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दाल मखनी के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। इसको ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राइड अनियन के साथ गार्निश करें और इसको ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।